इसीलिए ये आखिरी आयत उनके बारे में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों डरो अल्लाह से, वकूनू मअस्सादिकीन और सच्चे लोगों के साथ रहो। 119 नंबर आयत में अब ये फरमा दिया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और हमेशा सच्चे लोगों के साथ रहो, क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं उनके मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पता होता है कि इस आदमी ने सच कह दिया, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे साफ बात उसने कर दी है। ये वो चीज है कि कूनू मा सादिकीन, अल्लाह ने कहा सच्चे लोगों के साथ रहो, जो अपने अकीदे में सच्चे, आमाल में सच्चे, अल्लाह के साथ ताल्लुक में सच्चे, इन सच्चे लोगों के साथ तुम्हें रहना चाहिए। और फुकहा ने इसीलिए लिखा है कि इजमाए उम्मत के हुज्जत शरई होने की यह एक दलील है, क्योंकि उम्मत सच्चाई पे ही मुत्तफिक हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकता कि झूठ पे मुत्तफिक हो जाएं। और जो मशायख थे कामिल, उन्होंने इसमें लिखा कि दीन में नीयत, कौल और अमल तीनों में सच्चाई रहनी चाहिए, क्योंकि मा सादिकीन की एक तफसीर यह की गई है कि करीब रहो उनके, जो सच्चे लोग हैं उनसे अपना ताल्लुक कायम रखो, तो नतीजा ये कि वो सच्चाई उधर से तुम्हारे लिए आएगी। जब सच्चे लोगों के साथ रहोगे तो उनकी सोहबत का असर रहेगा। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है यह सोहबत का असर अजीबोगरीब चीज, इंसान के नफ्स में एक हरकत है चोरी की, और यह चुराता है बड़ी जल्दी, जिस चीज से मुतासिर होते हैं बच्चे उस चीज से चोरी कर लिया करते हैं, अपने उस्ताद से मुतासिर होते हैं उसी की तरह घर आके बात करने लगेंगे, अपने टीचर को देखते हैं कि उसने कैसे लिखा कैसे पढ़ाया, ये बच्चे बच्चियां घर आके वैसे ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं लिखना शुरू कर देते हैं, वो लहजा तक वही हो जाता। और ये चीजें हकायक पे मुश्तमिल, इसलिए ये जितने लोग स्कूल करते रहते हैं ना, स्कूल खोलने, हम कहते हैं यहां सारे स्कूल खोलो बहुत अच्छी बात है, कोई मॉडल लाके यहां बिठाओ जिसको देख के बच्चे ये सीखें कि हमें अपने आप को इस तरह बनाना है। ये मॉडल्स खत्म हो गए, ये मुसलमानों में अब मॉडल शख्सियात जो हुआ करती थी अब नहीं रही, ये शख्सियात का मसला हो गया है, कहतुर रिजाल हो गया है। जब कौमों में जिंदगी, जब कौमों में मौत आम हो जाती है ना, तो जिंदगी का कहत पड़ जाता है, यही होता है। 10,000 आदमी मर गए, अभी हाल ही में अफ्रीका में कहत पड़ा था, तो जब कहत पड़ता है तो मौत आम हो जाती है और जिंदगी कम हो जाती है, और जब इंसानों का कहत पड़ता है तो जिंदगी आम हो जाती है, मौत का कहत पड़ जाता है, आम जिंदगी हो गई। मुसलमानों की आबादी तादाद इतनी है, 1 अरब के करीब शायद पहुंच गए होंगे या इससे भी ज्यादा हो गए, लेकिन वो जो जिंदा लोग थे वो कहां गए, वो जो शख्सियात थी वो कहां गई, ये कहत पड़ गया। बंदों से बंदे बनते थे, अफराद से अफराद बनते थे, फर्द से फर्द बनता था, और ये सोहबत की तासीर और ये चीजें थीं, अब वो अफराद भी नहीं रहे, वो मुआशरा भी नहीं रहा, और लोगों को ये एक नई चीज सूझ गई है कि लोग कहते हैं ग्रुप बना लो और ग्रुप की सूरत में दीन का काम करेंगे। एक ग्रुप बन गया, वो कहते हैं मस्जिदें बनाओ, एक ग्रुप बन गया वो कहते हैं कि चलिए अस्पतालों का काम करते हैं, एक ग्रुप बन गया वो कहता है बोस्निया चले जाओ, एक ग्रुप है वो कहता है अफगानिस्तान चले जाओ। नतीजा उसका यह निकलता है कि उस ग्रुप में जो अमीर बनता है, जो उसकी बातिन की बीमारियां होती हैं वो सब में आती हैं, उसकी अगर तरबियत हुई भी हो तो दूसरों की तरबियत होती है, और उसकी तरबियत ना हुई हुई हो तो फिर कोई तरबियत नहीं होती। और ग्रुप बनाने के मजे ये हैं कि उसमें कोई किसी के सर पे थोड़ा ही होता है कि उसे डांट सके, उसे किसी दिन थप्पड़ लगा सके, उसे किसी दिन किसी काम से रोक सके, तो जमातों से तरबियत नहीं होती, तरबियत अफराद से हुआ करती है, फर्द फर्द को बनाता है, यह शुरू से चलता रहा है और 1,500 बरस में यही होता रहा। हम पता हमारा आपके पास ही रहेगा इंशाल्लाह, किससे पूछ लेना, इस उम्मत में कोई 5 आदमी ऐसे बता दें
जिन्होंने काम किया हो, सही माना में इस्लाम की तजदीद हो गई हो, इस्लाम को संभाला हो और वो फर्द किसी फर्द से ना बना। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की लोग बात करते हैं, शेख तो 14 सदियों में फर्ज कर लो दो चार नादिर ऐसे निकल आए तो ये एक अलग बात है, ये कोई कायदे कुल्लिये की बात नहीं। इब्ने कय्यम कहां बन गए थे, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहां बने हैं, इब्ने रजब कहां बने हैं, ये सारे के सारे लोग बाकायदा तरबियतों के नतीजे थे और तरबियत होती रही और पर कटते रहे कि ये काम करना है ये काम नहीं करना और सख्ती बर्दाश्त करते रहे। नतीजा ये कि जब बड़े उठे तो ये छोटे ऑटोमेटिकली बड़े बन गए। ये चीजें हुई और उम्मत ने इस चीज को भुला दिया है, अब खत्म कर दिया है। लोग चाहते ही नहीं कि वो कहीं सर झुकाकर बैठें, लोग चाहते नहीं कि कोई तरबियत करे और ये चीज नहीं हुआ करती। अब मॉडल्स नहीं ना रहे, जब वो नहीं रहे तो दीन में आप देखिए फिर कितने तगैयुरात पैदा हो गए हैं। सादी रहमतुल्लाह ने एक जगह लिखा है कि गिले खुशबूए दर हम्माम रूजे। एक दिन हम्माम में गया मैं नहाने के लिए तो मिट्टी से खुशबू आ रही थी। रसीद अज दस्त महबूबे बेदस्तम, मेरा जो दोस्त था कोई उसने मुझे मिट्टी दी तो मैंने सूंघी, बड़ी खुशबू आ रही थी मिट्टी से। विदु गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, बड़ी बड़ी दो उमदा खुशबूएं जो होती हैं ना, मुश्क अंबर, उसका नाम लेके कहते हैं कि मैंने उस मिट्टी से पूछा कि अजबूए दिल आवेजे तुमस्तम, मैं तुम्हारी ये जो इतनी दिल आवेज खुशबू है इसने तो मुझे पागल कर दिया है, इतनी अच्छी खुशबू हो तुम। बेगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, वो मट्टी मुझसे कहने लगी कि मैं वही नालायक नाकारा मट्टी हूं जो जमीन पे होती है। वो लेकिन मुद्दते बागुल नशीनम, लेकिन एक अरसे तक मुझ में गुलाब का पौधा लगा रहा है फूल का। जमाले हम नशी दरमन असर कर, और वो जिसके साथ रही हूं उसकी खुशबू मुझ में आ गई है। वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, वगरना मैं तो वही मिट्टी हूं जो जमीन पे पड़ी रहती। ये चीज होती है कि इंसान इन असरात को कबूल करता है, मॉडल्स देखता है, फिर उसके मुताबिक शख्सियत बन जाती है, उसके मुताबिक ऐसी। ऐसे ही तो नहीं हदीस में आया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अनु चलते थे तो लोग कहते हैं कि हमने किसी आदमी को नहीं देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चलता हो, उठता बैठता हो और ऐसी ही खुशबू लगाता हो जैसे इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु। ये निस्बतें कभी इतनी कुव्वत से मुंतकिल होती हैं, इतनी कुव्वत से मुंतकिल होती हैं कि हजरत फरमाते थे, वहां अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारे हजरत का जब इंतकाल हुआ शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसके बाद मैं गया, मैंने देखा मौलाना अब्दुल अजीज साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को जो हजरत के जानशीन थे, तो उन्होंने कहा मुझे देखते ही ऐसा लगा जैसे ये तो अपनी हजरत बैठे हुए। और यहां तक के शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के दांत नहीं थे तो वो मस्नूई दांत इस्तेमाल करते थे। हजरत फरमाते थे वो मस्नूई दांत हजरत के, वो शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब लेके गए तो उन्होंने अपने शेख के इस्तेमाल शुदा दांत थे, उन्होंने मोहब्बत से ऐसे ही उनके भी दांत खत्म हो गए थे अपने मुंह में डाले और उन्होंने कहा वही दांत ब्याह नहीं उनको फिटा, बस वही इस्तेमाल करते रहे। ये ऐसी अजीबो गरीब सूरतें पेश आती हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह इस चीज को तफसील से लिखा है, अब क्या उसको बयान करना है, मगर होता यही कि सच्चों के साथ रहने से सच आना शुरू हो जाता है और गुमराह लोगों के साथ रहने से गुमराही भी आ जाती है, बुरे लोगों के साथ रहेगा बुराई भी आ जाएगी। ये सब चीजें ऐसे ही ट्रांसफर करती हैं, हत्ता के इंसान की जब तरबियत हो जाती है फिर उस इंसान का मामला मुख्तलिफ हो जाता है। आप ऐसे ही समझ लें जैसे दूध में पानी मिल जाता है, दही हो थोड़ा सी मुश्किल पेश आती है, जरा उसे बिलोना पड़ता है फिर पानी उसमें भी मिल जाता है, और आखिर में जब मक्खन निकल आए ना फिर मक्खन में पानी नहीं मिलता, फिर मक्खन तो यानी घी अगर खालिस है तो एक घड़ा अगर आप उसका फेंक दें दरिया में भी तो वो अपना वजूद बरकरार रखता है, वो उसमें नहीं मिलता। तो आदमी
जब तरबियत के बाद एक मुकाम पे पहुंच जाता है और रसूख पैदा हो जाता है, जम जाती है, ठहर जाती है तबीयत अल्लाह के साथ ताल्लुक में, तो फिर वो खारिज से आने वाले असरात को रिपेल करता है, बाहर फेंकता है, और जो उसके अंदर चीज होती है उससे अनवार, उससे बरकात, फिर अल्लाह ने जो काम लेना हो फिर लेता है अल्लाह। ये सिस्टम,